हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे पहले मैं आपका 20 में 20 नंबर क्लियर करा दूंगा, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना छूटे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये आपका लास्ट पेपर है जो कि 7 मार्च को है, और 7 मार्च को पेपर में तबाही कर देना है। ठीक है, और आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों ने कर लिया, पेपर भी दे दिया, आप 7 मार्च का पेपर अच्छे से देना, लास्ट पेपर है, और आप लोग ध्यान से पढ़ लेना जो जो मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ना, आपके पूरे बुक में से हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूं पूरे बुक में से हैं, और इस समय मेरा भी पेपर चल रहा है इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, मेरा भी पेपर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेपर्स हैं हमारे तो वो भी चल रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए ये पूरा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव भी है एंड हमारे पास लघु भी हैं, दीर्घ भी हैं, सब कुछ है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन सबको लिखने में। ठीक है, तो पेपर देकर आया, फिर मैंने लिखा, फिर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर का है 1788, 1789, 1790 या फिर 1787। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि पेपर आपके बिल्कुल नजदीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से यह किसने कहा था या किसका कथन था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी या जुकाम हो जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस गलत लिख दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे एक ऑप्शन रहेगा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो है जिसने कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, मैटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिख ने। बस ये वाला ऑप्शन याद रखना कि मैटरनिख ने कहा था बस। ठीक है, तो ये वाला आपका जो ये कहा था कि जब आपका फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है, तो ये मैटरनिख ने कहा था, याद रखना, बस ये करेक्ट ऑप्शन याद रखना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ था, जर्मनी, इटली या फ्रांस या इंग्लैंड। तो याद रखना कि राष्ट्रवाद जो है उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो मेन भूमिका था वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सारा क्वेश्चन समझो क्योंकि टाइम कम है, और आप कम समय में जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम समय में करा दूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। देखो, और आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए, बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा बुक ही पढ़ा देते हैं, मतलब अगर पूरा बुक ही छपवा दोगे तो वो तो आना तय ही है। मैं आपको जो मेन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 400 क्वेश्चन मैंने ले आया ऑब्जेक्टिव, अब 400 लाओगे यार तो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि 400 क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो वैसे भी आपका आ ही जाएगा, तो आप बुक ही ना पढ़ लो। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट देख रहे हो, तो इसलिए मैं आपको वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा छपवा दूँ। तो देखो, नेपोलियन का पराजय जो है वो कब हुआ था, तो नेपोलियन का पराजय हमारा कब हुआ था, 1815 में। कब हुआ था? 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। जो 1789 ईस्वी है इसमें जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो भैया, जो उस समय फ्रांस था ना वो एक सीमित राजतंत्र था। कैसा था? एक सीमित राजतंत्र था, जो कि हमारा फ्रांस था। जब ये मतलब 1789 में जब फ्रांस, जब 1789 में जो हमारी क्रांति हुई थी ना तब की बात पूछी जा रही है, तो तब ये हमारा कैसा था, वो एक सीमित राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हमारा 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, करो या मरो का नारा किसका था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था, जो चौड़ी चौड़ा कांड है वो कब हुआ था माइडियर स्टूडेंट, 1920 में या 1921 में या 1922 में या फिर 1925 में। तो चौड़ी चौड़ा कांड जो हमारा है वो कब हुआ था, चौड़ी चौड़ा कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी हमारे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर फोकस करना कि भारत में जो राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को या जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो भारत में जो राष्ट्रपिता है वो किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था, यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन था, गोपाल कृष्ण का या बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो गोलियां हैं वो किसने चलवाई थी, माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने या जनरल डायर ने। तो भैया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो गोलियां हैं वो जनरल डायर ने चलवाया था। किसने चलवाया था, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। तो महामंडी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क या फिर हमारा ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है, तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़ते रहो, मैं आपको जो जो बता रहा हूं उसको पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में या 1919 में या 1939 में या 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है माइडियर स्टूडेंट ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था, अफ्रीका में जो रीडर पेस्ट फैला था वो क्या था, एक जानवर था या एक घटना था या एक खेल था या एक बीमारी था। तो जो रीडर पेस्ट फैला था ना, रीडर पेस्ट वो एक बीमारी था। क्या था, एक बीमारी था, रिडर पेस्ट। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF की स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, 1940 में या 1942 में, 1945 में या 1944 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 1944 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, कौन सा देश है जो हमारा केंद्रीय जो शक्तियां हैं उसमें मतलब ये सम्मिलित था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस, चारों में से कौन सा देश था जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो वो हमारा कौन सा देश था, वो हमारा जर्मनी था। कौन सा था, जर्मनी जो था वो हमारा सम्मिलित था जो केंद्रीय देश होते हैं, ठीक है उसमें। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ था, अमेरिका में या रूस में या इंग्लैंड में या चीन में। तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो कहां हुआ था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लैंड में भैया औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और ये 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सारे, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर अब हम लोग आते हैं, जो कि 21 नंबर है। लिखा हुआ है कि मुंबई या बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, जो बंबई है इसमें पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, 1824 में, 1844 में, 1854 में या 1874 में। तो जो बंबई है, बंबई में जो पहली कपड़ा मिल की स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी
1854 में। कब हुआ था? 1854 में जो बंबई है उसमें पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली कपड़ा मिल की स्थापना। ये हमारा 21 ऑब्जेक्टिव हो गया। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुआ था। जो पुनर्जागरण है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुआ था? रोम से, इटली से, या ब्रिटेन से, या फिर ऑस्ट्रिया से? तो जो पुनर्जागरण है उसकी जो शुरुआत है वो इटली से हुआ था। कहां से हुआ था? इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ना छूटे। और भी क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेरियार जो थे स्वामी नायकर, वो कौन थे? पेरियार स्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक, या फिर लेखक थे? तो जो पेरियार स्वामी नायकर थे वो हमारे एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, 23 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। समाज सुधारक थे जो हमारे पेरियार स्वामी नायकर थे वो। ठीक है, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट? तो इन चारों में से जो सीमेंट है वो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, हमारी काली मृदा भी होती है, लाल मृदा भी होती है, पीली मृदा भी होती है, लेटराइट मृदा सारा होता है, बट ये जो सीमेंट होता है ये कोई मृदा नहीं है, ये हमारा एक अलग चीज होता है, चूना पत्थर से बना होता है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण? पंजाब में बताना है माय डियर स्टूडेंट, पंजाब। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है, अधिक सिंचाई जो है वो सबसे मेन कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन कारण है वो है अधिक सिंचाई। ठीक है, तो 25 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा? तो कपास की खेती के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? तो काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आपको तैयार कर लेना। तो कौन सा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड? तो इन चारों में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो है वो सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो 27 नंबर हो गया। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा, जम्मू और कश्मीर, या फिर राजस्थान, या महाराष्ट्र, या फिर हमारा झारखंड? तो काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में हमारी काली मृदा पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब इन चारों में से बात किया गया। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण? तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे है? वन संरक्षण से हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? असम, ओडिशा, या पश्चिम बंगाल, या मध्य प्रदेश? तो सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसमें? पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। तो ये 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत ही कम समय में सारा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव मैंने बस 13 से 12 मिनट में समझा दिया। अगर आप कहीं और देखोगे ना तो आपको यही चीजें एक घंटे में समझाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाता हूं जो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, नो बकवास। तो ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग 31 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। देखो, 31 नंबर ऑब्जेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है? सलाल बांध हमारा किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, या सतलुज, या कृष्णा? तो सलाब नदी किस नदी पर बना हुआ है? सलाब। तो सलाल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध, तो वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। किस पर? चिनाब नदी पर हमारा सलाल बांध बना हुआ है। ठीक है, 32 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, या फिर अन्ना हजारे? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था कि ये जो है एक आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है?
कौन सी इन चारों में से जो रबी की फसल है, चावल या मोटे अनाज या चना या काला चना या कपास। तो चना या काला चना जो है एक हमारा रबी की फसल है। क्या है? एक रबी की फसल है चना या फिर काला चना। ठीक है, समझ में आया। 35 नंबर क्वेश्चन तक 34 नंबर आ जाओ। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, कौन सी इन चारों में से है जो एक फलीदार फसल है, दाल या मोटे अनाज या ज्वार तिल या फिर तिल। तो किसमें फलियां लगती हैं? दाल में। सभी लोगों ने अगर दाल का पौधा देखा होगा तो उसमें फूल लगते हैं, फलियां लगते हैं। तो इसलिए जो फलीदार फसल है वो हमारी दाल है। कौन सी है? दाल है। 35 नंबर, करतन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? करतन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम। तो मिजोरम में जो पाया जाता है वो हमारा करतन कृषि, करतन दहन कृषि या झूम कृषि पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। 35 ऑब्जेक्टिव तक, 35 ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 36 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, इन चारों में से कौन सी है जो एक रेशेदार फसल है, इसमें रेशे होते हैं, जूट, कॉफी, जौ या रबड़। तो इन चारों में से हमारी जो एक रेशेदार फसल है वो कौन सी है? तो रेशेदार फसल जो हमारी है वो जूट है। कौन सी है? जूट जो है वो एक रेशेदार फसल है। ठीक है, जूट हमारा क्या है, कि रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में जो स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अर्भरक या लौह अयस्क या फिर हमारा तांबा। तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो हमारा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? 37 नंबर ऑब्जेक्टिव है अर्भरक। किसका? अर्भरक का अग्रणी उत्पादक है, अर्भरक का। ठीक है, 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है, कौन सा परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इन चारों में से हमारा कौन सा है जो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है? जो कोयला है वो एक परंपरागत ऊर्जा है, जो कि बहुत पुराने समय से है और सभी लोगों ने यूज किया है, हमारे पुराने लोग भी, जो दादा परदादा सब लोग। तो इसलिए हमारा जो ये है ना कोयला, वो एक हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, कौन सा खनिज है जो आधारभूत है? मैग्नीज या फिर हमारा अर्भरक या लौह अयस्क या तांबा। तो लौह अयस्क जो है वो हमारा एक आधारभूत खनिज है। क्या है? आधारभूत खनिज है जो हमारा लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, एंथेसाइट का संबंध किस खनिज से है, एंथेसाइट का संबंध किस खनिज से है? 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, एंथेसाइट, तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो एंथेसाइट का जो संबंध है वो कोयला से है। किससे है? कोयला से है एंथेसाइट का संबंध। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। 40 में 40 आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव ना हो जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 41 नंबर कि भारत में कौन से दो देश या दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता या फिर नागपुर तथा सिलगुड़ी। तो कौन सा है? सिलचर तथा पोरबंदर। कौन सा है? सिलचर तथा पोरबंदर। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख है, भारत में सबसे मेन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन। तो जो भारत में मेन है वो हमारा कौन सा है? वो है सड़क परिवहन। सभी को पता है सड़क परिवहन भारत में सबसे अच्छा साधन माना जाता है और सबसे मस्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये कम खर्चे में, कम व्यय में आप आसानी से यात्रा कर सकते हो, ज्यादा खर्चे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए सड़क परिवहन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का जो है निर्यातक भारत नहीं है, किस वस्तु का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है? माय डियर स्टूडेंट, कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। तो किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? वो है उर्वरक। उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। ठीक है, उर्वरक। 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो भारत है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। तो भारत में जो वायु परिवहन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में हमारा भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो 44 नंबर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। 45 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आ जाऊं माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। कितने? 28 हमारे संघीय राज्य हैं। ठीक है, भारत में हमारे 28 संघीय राज्य हैं, याद रखना।
46 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, कौन सा जो संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का हमारा विषय कौन सा, रक्षा है, कृषि है, या व्यापार है, या शिक्षा है। तो जो हमारा संघीय सूची का इन चारों में से विषय है वो कौन सा है। संघीय सूची की आपकी तीन विषय पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। हमारा रक्षा जो है वो हमारा संघीय सूची का विषय है, कौन सा है, रक्षा, ठीक है। 47 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, कौन सा है जो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, कांशीराम साहू महाराज, या बी आर अम्बेडकर, या ज्योतिबा फूले। तो कौन से हैं जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, बहुजन समाज पार्टी, तो वो कांशीराम थे। कौन से, कांशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का विकास को निर्धारित करने का आधार है, अगर हमें किसी देश का जो विकास है उसको निर्धारित करना है तो उसका आधार कौन सा है, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, या व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, या उपयुक्त सभी। तो अगर आपको स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर पता होगा, प्रति व्यक्ति आय पता होगा, व्यक्तियों का साक्षरता सब कुछ पता होगा, उपयुक्त सभी, तभी आप किसी देश का विकास पता कर सकते हो, वैसे नहीं पता कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, ब्राजील, भारत, फ्रांस, या बांग्लादेश। तो कौन सा है जो एक विकसित देश है, विकसित देश, तो फ्रांस जो हमारा है एक विकसित देश है, क्या, फ्रांस, गवाला। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों को समेत, तो उद्यमों में श्रमिकों की संख्या। तो उद्यमों की स्वामित्व जो है वो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, ठीक है। 51 नंबर है, एक वस्तु का अधिकांशता जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी। तो अगर आप प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया से, तो प्राथमिक कहलाएगा, अगर प्राकृतिक के द्वारा आप करते हो तो वो प्राथमिक के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। 52 नंबर है, भारत में करेंसी जारी करता है, तो भारत है इंडिया, इसमें करेंसी कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा भारत में करेंसी जारी करता है। विश्व व्यापार संगठन कब हुआ, विश्व व्यापार संगठन हमारा कब हुआ था, 1995 में ना, तो 1 जनवरी 1995 में हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन 54 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन, जिनेवा, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना हमारा जिनेवा में हुआ था, कहाँ हुआ था, जिनेवा में। 55 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1982, 1984, 1985, 1986। तो 1986 में हमारा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1986 में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 55 ऑब्जेक्टिव पढ़ा है भाई, 55 ऑब्जेक्टिव, बस ये 55 बहुत हैं, और आप लोगों को और भी क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा, ये आप लोग जल्दी से समझ लो, ठीक है। जो मैंने बताया उसको समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो, और हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही इस वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारा लघु दीर्घ है उसकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना, और मैंने बहुत कम समय में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग और सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपका मानचित्र भरना एंड आपका जो और भी क्वेश्चन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो अब हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है ना, उनके जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आप लोगों को कल ही पेपर है, और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो केवल, बस, ठीक है। उसको नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल पढ़ लो। देखो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। देखो मैं आपको आंसर के साथ समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसके विकास में जो संस्कृति है, संस्कृति का क्या योगदान था, जो हमारी संस्कृति है उसका योगदान आपको बताना है, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति है कि योगदान को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखो जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था ना उसके विकास में जो संस्कृति है, संस्कृति के योगदान को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे पहला, यानी कि प्रथम आप समझो, यहां प्रथम जो हमारा है वो कि उदाहरण के रूप में हम
जो रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं, प्रथम समझना, ठीक है। और रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है। तो ये इनकी प्रथम जो है वो आपका शर्त है, या फिर आपका जो विकास का संस्कृति में योगदान था वो प्रथम था। द्वितीय देखो उदाहरण, द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को लिख सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां जैसे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक रूढ़िवादी या राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांशतः निरक्षर थी, ठीक है। एंड तृतीय जो हमारा था, तृतीय उदाहरण के रूप में हम यह कह सकते हैं संगीत ले सकते हैं, क्योंकि कैरोल एंड कुर्फिक्सली एक पोलिश नागरिक थे, राष्ट्रीय संघर्ष को अपने जो आप्रेमा में संगीत के रूप में गुणगान किया, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में हम इन तीन उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यही तीन उदाहरण आपको समझना था, और बस आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था कुछ इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो आप लोग समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, जो भारत में रॉलेट एक्ट है और उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो भारत में जो रॉलेट एक्ट है उसका मतलब आपको क्या है भाई, रॉलेट एक्ट है क्या, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है और मैं आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करा दूंगा, ठीक है। इसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट, आखिर रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, मतलब रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ था, एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय लोग थे उन पर किसी भी तरह का मुकदमा चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। केवल शंका के आधार पर हम उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे और 2 साल के लिए जेल में बंद कर देते थे। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट, और फिर इसका परिणाम क्या हुआ, देखो परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। जो हमारा अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन तो किया ही, दमन के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना, ठीक है। विरोध कैसे किया गया, देखो विरोध जो है भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। कैसे विरोध किया गया, पहला विभिन्न शहरों में रैली या जुलूसों का आयोजन किया गया, मतलब जो बहुत सारे शहर थे वहां रैली निकाला गया ताकि इसको बंद किया जा सके, बहुत सारे जुलूस निकाले गए ताकि इनका जो है इसका विरोध किया जा सके, ठीक है। और सेकंड है कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, मतलब जिसको जितना हो सका उतना विरोध जताया, क्योंकि जो भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था ये बहुत ही बेकार कानून था और ये भारतीयों लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल बेकार था, क्योंकि शंका के आधार पर अगर गिरफ्तार करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे भारतीयों को आप आसानी से गिरफ्तार कर लोगे, ठीक है। मुकदमे को नहीं चलाया जाता था, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, तो मैंने आपको बता दिया, परिणाम भी बता दिया और कैसे विरोध जताया गया वो भी बता दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ, यानी कि प्रश्न नंबर जो हमारा थर्ड है उसको समझो कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, जो हमारा सत्याग्रह है उसके विचार का मतलब क्या है, ठीक है। तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है, कि सत्य की तरफ आग्रह, जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह के विचार का जो मूल आधार है वो सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, ठीक है। जो सत्य है सत्य की ओर चलो भाई, अगर आप सही हो तो आप विजय पाओगे, ठीक है। यही था सत्याग्रह का मतलब, ठीक है। तो सत्याग्रह के जो विचार का मूल आधार था सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की शक्ति की ओर हमें आग्रह होना और सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे और तथा इसकी व्याख्या इस प्रकार से किया, जैसे पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, देखो इन कुछ आपके प्रकार हैं, जैसे कुछ कारण हैं, देखो पहले मैं आपको तीन तरीकों से समझाऊंगा, जैसे अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप जो काम कर रहे हो वो सच्चा है, और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मुकाबला करने के लिए उत्पीड़क जो है, जो उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
दूसरा है प्रतिशोध की भावना या आक्रमकता का सहारा लिए बिना, जो प्रतिशोध है और जैसे एक दूसरे से जलन या प्रतिशोध की भावना या आक्रमकता का सहारा लिए बिना सत्यग्राही केवल अहिंसा के सहारे ही संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है, तो जो सत्यग्राही है, जो सत्य बोलते हैं, जो मतलब बिल्कुल सत्यवादी है, वो केवल अहिंसा के सहारे ही वो विजय पा सकते हैं, सफल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका है इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष में जो अंततः है, एट लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जो अहिंसा का ये धर्म है, ये सभी भारतीयों को एक साथ बांध सकता है और सभी भारतीयों को क्या कर सकता है, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस संघर्ष में जो अंततः सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का जो अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म जो है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो है भाई जो सत्यग्रह है। सत्यग्रह के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीन राज्यों के नाम बताएं, जो तीन राज्य हैं आपको तीन ऐसे राज्यों के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। जहां क्या पाई जाती है माय डियर स्टूडेंट, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा, और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है। देखो आपको तीन ऐसे राज्यों के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है पहली बात, और काली मृदा में हम मुख्य रूप से कौन सी फसल उगा सकते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो काली मृदा का रंग काला होता है, सभी को पता है क्योंकि इसका रंग काला होने के कारण काली मृदा नाम दिया गया है, और इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह लावाजनक सैलों से बनती है। जो हमारी काली मृदा है ये लावाजनक सैलों से बनती है। किससे बनती है, जो लावाजनक सैलों के बनने के कारण ये काली होती है। ठीक है, और यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और ये जो मृदा है ये हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, मालवा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है जो हमारा ये है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं जो हमारी कपास की खेती है, या फिर हमारा जो ये काली मृदा है, काली मृदा को काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तीन ऐसे राज्य मैंने बहुत सारे राज्य बता दिए, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पांच मैंने बता दिया, तीन इसमें से लिख सकते हो, या फिर पांच के पांचों लिख देना, आपका नंबर मस्त आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। जल दुर्लभता है क्या है, एंड इसके तीन मुख्य कारण बताइए। तो जल दुर्लभता के बारे में आपको बताना है। जल दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब कमी होना। ठीक है, तो जैसे जल के विशाल भंडार, जो जल का विशाल भंडार होता तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो, भाई जो हमारा जल का इतना बड़ा भंडार है, ये नवीकरणीय योग्य है, हम इसको पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं, तो अगर इन सब के कारण भाई इतना सारी चीजें हो फिर भी जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। तो उसी को तो जल की कमी कहते हैं, उसी को जो जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या। जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है, जल जो है अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी काम आता है। तो जैसे बढ़ती जनसंख्या, तो इससे जल, तो जल की मतलब उपयोगिता भी बढ़ेगी, जल को बहुत ज्यादा लोग यूज करेंगे क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा जल भी यूज होगा। और जल के यूज होने के साथ साथ क्या होता है कि मतलब जो मतलब खेतों में अनाज उगाया जाता है उसमें भी जल सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी इस चीज का उपयोग ज्यादा होता, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके संचित क्षेत्र को भी बढ़ा दिया जाता है। जब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्र भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जल की कमी तो होगी ही। एंड फिर हमारा आता है जल का असमान वितरण। जो जल है उसका असमान वितरण, तो भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है और वर्षा बहुत कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा रही है। तो जहां वर्षा कम होगी और पानी बहुत कम होता है तो वहां जल दुर्लभता होगा ही। निजी कुएं या नलकूप, तो बहुत से किसान अपने खेतों में कुएं या नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुएं या फिर नलकूप से सिंचाई करते हैं, अपनी उत्पादन को बढ़ाते हैं।
किंतु इसके कारण जो है लगातार जो भू स्तर है, जो भू जल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा भूमि का जल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो यहां से भी जल की कमी हो रही है। तो ये मैंने आपको तीन मुख्य कारण बता दिए भाई, बढ़ती जनसंख्या, जल का असामान वितरण और निजी कुएं या नलकूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई और इस मंडी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बहुत सारे कारण हैं, जैसे पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य शुरू होने लगा था एंड 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीददार ना रहा। तो मतलब इतना ज्यादा उत्पादन हो गया ना कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं था, पहला कारण हो गया 1930 तक बात किया गया। ठीक है, मेन पॉइंट याद रखो। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब किसान को कम प्रॉफिट होने लगा क्योंकि कीमत गिर गई थी, तो वो और ज्यादा उत्पादन करने लगे, इससे और बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया, और बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया, तो उससे कीमत और ज्यादा गिर गई। ठीक है, तो मतलब कोशिश था बढ़ाने का लेकिन और घट गया। यूरोप में कई बैंक धराशाही हो गए, यूरोप में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो धराशाही हो गए और कई बैंक जो हैं मुद्रा की कीमतें गिर गई, और कई बैंक ऐसे हैं जिनकी मुद्रा की कीमतें बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि अगला हमारा पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। जब पूरा बाजार ही नीचे चल रहा है तो शेयर भी नीचे चला जाएगा। जैसे किसी भी बड़ा मार्केट का, किसी भी बड़े जो बाजार का शेयर होता है, अगर वो बाजार ही नीचे आ गया, लाइक एज आपका कोई भी बाजार हो, अडानी का था या फिर रिलायंस का था, तो वो जब नीचे आएंगे तो वैसे इनका शेयर भी नीचे आ जाता है। ठीक है, आगे आप लोग समझोगे। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ऐसे कारण हैं जो महामंडी के कारण थे, और 4-5 महीने कारण बता दिए, बस बहुत है, आप थोड़ा बना चढ़ा के और थोड़ा लिख देना, बट बहुत है। ठीक है, डोंट वरी, मैंने आपको मेन कारण बताए। ठीक है, तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उससे आप क्या समझते हो, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं उसका आपको वर्णन भी करने हैं। तो देखो, वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है, जिसमें जो मनुष्य हैं, जो आपके लोग हैं, उसमें जिससे धन प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना, आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। तो ये खेती करना, नौकरी करना, ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत है। क्रियाओं का मतलब होता है काम करना। तो कोई भी चीज़ आप करते हो पैसे के लिए करते हो, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, पैसे ना हो तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इनके तीन जो हैं वो प्रकार हैं। पहला, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। तो प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के सहयोग से, जो हमारी प्रकृति है, वातावरण है, सब कुछ है, उसके सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य, मत्स्य पालन। ठीक है, जैसे हमारा खनन कार्य मतलब खुदाई करना, कृषि कार्य कृषि करना, और मत्स्य पालन हर एक चीज का पालन करना, मुर्गी पालन सब कुछ। तो ये सब हमारे हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। किसमें आते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादनों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जो प्राकृतिक की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करती हैं उसे द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास के कपड़े का बनना, लकड़ी का कागज बनना, ये सब हमारी द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। बट ये रिलेट हमारी प्राथमिक क्रियाओं से ही करती हैं। अब इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो तृतीय हो जाएगा। वे क्रियाएं जो उत्पादन करती हैं बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं। ठीक है, उन्हें हम तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, जैसे परिवहन का साधन, बैंक, सीमा कंपनी, तो ये सब हमारी तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी, तृतीयक भी। तो सारा आप समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आ रहा हमारे स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। जब मृदा का कटाव होता है और उनकी बहाव होती है, तो वही हमारा मृदा अपरदन कहलाता है, और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। जैसे पहला,
पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल की बहाव की गति घटती है। जब पर्वतीय ढालों पर जब हम समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाते हैं तो उसके साथ साथ जल की बहाव की जो गति है वो घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है पर्वतीय जो ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। तो ये हमारा दूसरा कारण है। और तीसरा है हमारा जो अपरदन को रोकने का, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर या फिर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनालिका के फैलाव को रोकती है। ठीक है, बस ये तीन बहुत है, आप तीनों ये तैयार कर लेना। तो ये हमारा हो गया पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए कदम कौन कौन से उठाए जाने चाहिए। पहले आप ये लिख देना, फिर आप तीन लिख देना, ठीक है, कदम जो आपके उपाय हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण दीजिए। देखो, प्रचंड बेरोजगारी को मैं आपको समझा देता हूं कि प्रचंड बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, मतलब काम करते वो दिखाई देंगे कि इतने लोग काम कर रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उपयोग जो उत्पादकता है शून्य है, लेकिन वास्तव में उनका वहां कोई काम नहीं है। वो काम आप कम ही लोगों में कर सकते थे, अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता जो आपका प्रॉफिट होगा उत्पादन होगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता, इससे प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसाय में पाई जाती है। छोटे छोटे दुकानों में कई सारे लोग लगे हुए हैं जबकि वहां उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रचंड बेरोजगारी शहरों और गांव दोनों में। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ चुका है। इसमें पूछ रहा है भाई कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। तो जैव विविधता सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो, जैव विविधता जीव मंडल में पाए जाने वाले जो जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, जैसे आपके जो जीव हैं, जो आपके बहुत सारे जीव हैं तो उनमें जो विविधता पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है, वही हमारी जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता जो होती है वो जीव मंडल में पाए जाने वाले जो हमारे जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो जैव विविधता वनस्पति, जो वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और पर्यावरण के हास्य के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा बहुत सारी संकटग्रस्त हैं, बहुत सारी प्रजातियां जो है वो संकटग्रस्त हैं, मतलब अभी भी खतरे में हैं। ठीक है, और कुछ और पॉइंट्स समझो, मानव जीवन के महत्व, मतलब जैव विविधता का जो मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। तो देखो, मानव जो है अपनी उत्पादक काल के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर करना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव जीवन अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पशु पालतूकरण किया और कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। ठीक है, तो भाई कृषि भी हमारा इसी से आता है, जैव विविधता से, और बहुत सारी चीजें जो उपयोग वाली होती हैं वो भी यहीं से आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई हमारा 10 क्वेश्चंस। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, मैंने आपको सारे ले लिया है पूरे बुक में से और मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि भारतीय कृषि की कोई तीन समस्याएं या तीन विशेषताएं लिखिए, भारतीय कृषि की कोई तीन विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला, प्रकृति पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, जो भारतीय कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है और यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चित भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जब वर्षा सही से नहीं होती है तो भारतीय कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वर्षा पर ही निर्भर करती है ये, जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है कृषि उत्पादन में भी नियमित मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, अगर कम होगी, नियमित रूप से होगी तो नियमित हमें कृषि में उत्पादकता भी मिलेगी। कृषि की निम्न उत्पादकता, तो भारत में कृषि उत्पादों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, जबकि यहाँ किसान बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये कम है। और प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की जो औसत वर्ष वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। $105 का मतलब 8 से 9 हज़ार, बस 8 से 9 हज़ार,
इतना कम है प्रति वर्ष, हर वर्ष की बात की जाती है, महीने की नहीं जबकि वर्ष की, जबकि ये महीने से भी कम होना चाहिए 10 दिन का। खनन फसलों की प्रमुखता, तो भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़, अब तो बहुत ज्यादा हो गया 145 करोड़, 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो यह है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं जो आपको एक एक करके मैंने 3 विशेषताएं बता दी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन फटाफट से समझ लो। 12 नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है भाई? संघवाद जो है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो संघवाद, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बांट जाती है। ठीक है, बट जाती है। संघवाद की विशेषताएं, पहला देखो, पहला जो है यहाँ जो है सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, यहाँ जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर यह कानून बनाने का, कर वसूलने का, प्रशासन का उसका जो अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जो कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र अलग होगा, कर वसूलने का वो अलग होगा। ठीक है, तीसरा है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेली नहीं बदल सकती है, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होता है। तो कोई एक स्तर की सरकारें जो हैं वो कोई भी बड़ा चीज़ चेंज नहीं कर सकती, वो दोनों जब सहमत होंगे तभी वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको 12 क्वेश्चन मैंने लघुत्तरीय प्रश्न समझा दिए, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा लघुत्तरीय क्वेश्चन। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आएंगे, जो आपके बहुत सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आंसर के साथ जल्दी जल्दी समझ लो, पेपर नज़दीक है और ऐसे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना भी चाहता हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी समझ लो। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारण बताना है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ, लुई वंश का जो शासन था उसका अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला अयोग्य शासन, भाई बहुत सारे कारण थे, बहुत खतरनाक खतरनाक बेकार शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां कौन था? लुई वंश का शासन था और ये जो लुई वंश था जिसका 16वां शासन था, ठीक है, लुई वंश 16वां था। यह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासन था, मतलब अयोग्य भी था, शिक्षा नहीं था, जिद्दी भी था और कर्तव्यहीन भी था। ठीक है, और वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, वो सुधार नहीं करना चाहता था बल्कि जनता की उसके विरुद्ध हो गई थी, और जनता जो थी उसकी विरुद्ध हो गई थी। ठीक है, मध्यम वर्ग, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे जो इनका विरोध करते थे। फिर तीसरा, आम जनता की दयनीय स्थिति, इस शासन इस समय शासन जो था उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग का था जो अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जनता की दयनीय स्थिति थी, जो हमारी जनता थी उनकी दयनीय स्थिति थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 ऐसे कारण, और भी आप लोग लिख लेना 1-2 और हम लोग देख लेते हैं और भी है। चौथा देखो, इसमें हमारा चौथा, मैंने आपको 3 ये समझा दिया ना, 3 समझ में आ गया, चौथा समझो, दार्शनिकों का, क्योंकि लॉन्ग है तो थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, दार्शनिकों का प्रभाव, इस समय जो दार्शनिक थे उच्च वर्ग या फिर वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों को फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर हो गई, क्रांति करने के लिए। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, तो इस समय जो है फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे और यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। ठीक है, जो उनके धार्मिक विश्वास थे उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ये पूरा आपका फ्रांस की क्रांति हो गया, मैंने आपको 5 कारण भी बता दिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का आपको बताना है, समस्या कौन कौन सी है भारतीय कृषि की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है परंतु प्रौद्योगिक और संस्थागत परिवर्तन जो है अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग, देखो भूमि की उचित शक्ति में ह्रास, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में ह्रास, मतलब जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भारत की कृषि जो है भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, अधिक रासायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग से भी भूमि का शक्ति कम हो गई है। ठीक है, मृदा अपरदन,
तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपरदन, पेड़ों की कटाई, अति चराई, जो अति पशुचारण, मृदा अपरदन, ये सब मृदा अपरदन के कारण है। ठीक है, पशुचारण से भी बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। एंड फिर हमारा तीसरा है खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। तो देश के कई भागों में जो किसान हैं अभी भी पुराने उपकरण या फिर किसे खेती कर रहे हैं जिससे उत्पादन कम होता है। ठीक है, खेतों का छोटा आकार, तो भाई भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उनकी खेतों का आकार छोटा है, मतलब उनका खेत अभी भी छोटा है। ठीक है, अगला पॉइंट, अपर्याप्त भंडार सुविधाएं। तो जो अपर्याप्त भंडार सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं, इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं तथा दूसरी मूल्य बढ़ाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है जिसके कारण खरीदार जो है खरीद मूल्य कम हो जाता है, सभी का एक साथ ही पैदा होता है तो इससे मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और इसके चार लक्षण बताइए। ठीक है, चार लक्षण आपको बताना है। तो देखो यहाँ उत्तर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों तथा संघ घोषित किया, जिसमें इसमें संघ जो है, संघ शब्द जो है आया, पर यहाँ भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। ठीक है, और यहाँ फिर है दो स्तरीय, जो हमारा दो स्तरीय शासन व्यवस्था, तो संविधान ने दो स्तरीय जो है दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, और संघ सरकार और राज्य सरकार बाद में जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। ठीक है, कठोर संविधान, हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का जो लिखित रूप से किया जा गया है, इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से मंजूरियां लेनी पड़ती है। ठीक है, शक्तिशाली न्यायपालिका, तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भाई तीन पॉइंट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और भी आप एक दो पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तारपूर्वक वर्णन। देखो, ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, ठीक है, और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब हमारे। जैसे पहला सौर ऊर्जा, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, और यहाँ और ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक या प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह सौर ऊर्जा काम करता है। ठीक है, सूर्य से जलता है, देखा होगा। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु जो है ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। ठीक है, बायोगैस, तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट उपयोग से, घरेलू उपयोग से बायोगैस उत्पन्न होता है। बायोगैस का तो नाम सुना ही होगा, हो सकता है बनाया भी हो आप लोग। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी के आंतरिक जो अंदर है आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पत्ति की जाने वाली जो हमारी विद्युत को भूतापीय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाई हो गया लॉन्ग फोर। अब हम लोग लॉन्ग फाइव देखते हैं। देखो, बस लॉन्ग फाइव ही देखेंगे कि जो हमारा है कि मतलब परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है, और यह परिवहन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल जल तथा वायु। और संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है, और ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करता है, इसलिए समक्ष जो हमारा परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में अपने विशाल आकार, विविधताओं और भाषाएं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संचार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। ठीक है, एंड अभी हमारे और भी पॉइंट हैं। देखो अगला पॉइंट यहाँ,
कि जो हमारा समक्ष व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े ठीक है गांव जो है परिवर्तित हो गया, जो बड़ा गांव, और परिवहन का यह विकास संचार के साधनों के विकास में सहायता संभव हो सका। इस प्रकार परिवहन तथा संचार के साधन विकास में बहुत मदद करती हैं और यह जो है किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और आई होप आपको पूरा ऑब्जेक्टिव लघु और दीर्घ समझ में आ ही गया होगा। और आप लोगों का मानचित्र भी आप लोगों को बताना है अभी, तो मानचित्र का हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्योंकि मानचित्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।